गरीबी हालत थी, बुड्ढा रो रहा था, ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुजात डामोर, आप देख रहे हैं सुजात लाइफ स्टाइल चैनल के वीडियो। तो दोस्तों, आज अपन बाबा के ढाबा कांता प्रसाद की बातें पब्लिक के मुंह से सुनेंगे, पब्लिक क्या कहती है और आप क्या सोचते हैं। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर दो लाइक। गरीबी हालत थी, बुड्ढा रो रहा था, ठीक है। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। और आज नेचर ऐसा है जो अब हम तो पड़ोसी हैं जी, वीडियो में देख रहे हैं कि बाबा मीडिया से बात करके राजी नहीं। अच्छा। तो ये बाबा गलत बात है, मीडिया से बात कर, जिन लोगों ने तुम्हें चढ़ाया उनसे आप गलत व्यवहार मत करो, ये गलत बात है। थोड़ा सा रिवाइंड में चलते हैं। आज से 15 साल पहले मेरे मॉम डैड ढाबा चलाते थे। आपके पेरेंट्स? मेरे मम्मी और पापा ढाबा चलाते थे। और मुझे वो दृश्य आज भी नहीं भूलता है कि कड़कती धूप के अंदर मेरे पापा के पैर में स्लीपर्स नहीं होते थे, कपड़े फटे होते थे, मम्मी के सर से पसीना टप टप कर रहा होता था, गर्मी होती थी 40-45 डिग्री, और मम्मी रोटियां सेकती थी और पापा खाना बनाते थे, दो पतीले मसाला वसाला बनाते थे। और हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम किसी को अफोर्ड करके नौकर भी रख सकें जो हमारे बर्तन भी धोए। तो ये सब करने के बाद मम्मी पापा सड़क किनारे बर्तन भी धोए हैं उन्होंने। मैं देखता था कि टिफ़िन का ऑर्डर आया बीच में एक 4,000 रुपये का, और मम्मी की आँख से आंसू आ गए क्योंकि मम्मी को लगता था कि 4,000 रुपये भी होते हैं, इतने बड़े हम पैसे आएंगे मेरे को एक ही साथ। तो जब उनको वो 4,000 मिले तो वो बहुत रोई कि मतलब कि मेरे को ये सब भी मिला। और इसीलिए मुझे कहीं लगा कि वो सब देख के मुझे लगा कि मेरे माँ बाप भी ऐसे मेहनत करते थे और करते हैं, बहुत करते हैं, हर किसी के माँ बाप करते हैं। तो इसलिए मैंने आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदद करी और बहुत परेशानी देखी हमने, बहुत टफ टाइम देखा है लाइफ में। एक एक कमरे में हम 4 लोग सोते थे, दो तरफ मेरे पापा और मम्मी की टांगी होती थी, दो तरफ मेरी और मेरे भाई की टांगी होती थी। आपको कभी ऐसा लगता है क्या कि आपने पिता समझ के, माता समझ के किसी की हेल्प करी और माता पिता से एक बच्चे को धोखा मिला? ऐसा ही हुआ है मेरे साथ कि माँ बाप समझ के ही मदद करी थी, दादा दादी समझ के ही मदद करी थी। लोग तो इन आंसुओं को भी झूठा बोल देते हैं, लोग तो ये भी कहते हैं कि आपके आंसू नकली हैं। चलिए अच्छी बात है हमारे आंसू नकली हैं, लेकिन हमारा टाइम तो नकली नहीं था। जो पूरी मालवीय नगर में देखा हमारे माँ बाप को मेहनत करी। सर, सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना, हम उसके पास गए, बिल्कुल वो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आया। उसके लिए प्रशासन खुद इंक्वायरी कर रही है, उसके लिए हमें आपको क्या करना है। जी जी सर, जो ये स्कैम हुआ है इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा आपको मैं। आपने कहावत सुनी है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो बाबा ने वही काम कर दिया। इसको जीरो से उठा के कहाँ पहुँचा दिया उस बंदे ने, वासन ने, और क्या जवाब दिया उसका इनने, क्या किया? तुम कुछ भी नहीं थे, तुम्हें कुत्ता नहीं पूछता था, हैं? और बंदे ने तुम्हें रातों रात पूरे हिंदुस्तान में हिट कर दिया, तुम्हें 10-20 लाख रुपए कमवा दिए, उसी पे केस कर दिया। मैटर है क्या बाबा ने सही किया है या फिर मतलब आपके हिसाब से कौन सही है कौन गलत है? सर, मेरे हिसाब से ये जो करा है वो ये गलत करा है, क्योंकि यहाँ कोई जानता नहीं था, कोई टाइम था कि बाबा खुद कहते हैं कि 100 रुपये भी नहीं कमा पाते थे। ओके हाँ, मगर अब ऐसा एक टाइम आ गया कि बाबा अच्छा खासा कमाते हैं, मगर जिस बंदे ने नीचे से बंदे को ऊपर करा है उस बंदे के साथ आरोप लगाया, मगर ये गलत करा है। लोगों के सामने अपना सच प्रूफ करने के लिए अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट रखनी पड़ रही है, ये दिखाने के लिए कि देखिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, और अगर किया होता तो मैं आज आपके सामने ना खड़ा होता। बिना ये पूछे एक बारी भी कि क्या आप गलत है गौरव, आप कम से कम मेरे पास आके पूछो तो सही, अगर मैं गलत होता तो मैं आज आपके सामने क्यों खड़ा होता? सच्ची लड़ाई के लिए मैंने मेहनत की। अगर मैं आप लोग मुझे स्कैमर बोलते हैं, आप लोग मुझे चोर बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, कम से कम आप मेरे से पूछे तो सही कि गौरव आपने क्या, आपकी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत आसान होता है किसी को डिफेम करना, किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाना, बट सच्चाई जब सामने आएगी ना आपके, तब आप सब उसको देखिएगा और आप मेरे को बताइएगा कि मैं गलत था कि सही था। और मीडिया उछालना भी जानती है तो मीडिया गिराना भी जानती है, जो धरती पे आया है वो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको और आपका मन क्या कहता, आप क्या सोचते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जल्दी से। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।
साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।